नवनिर्मित हनुमान जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा सह 5 दिवसीय महायज्ञ को लेकर गुरुवार को भुरकुंडा बाजार खोपड़िया बाबा धर्मशाला में भूमि पूजन व ध्वजारोहण किया गया। वनांचल पीठाधीश स्वामी दीनदयाल महाराज जी ने यजमान जयप्रकाश बंसल द्वारा विधिवत भूमि पूजन का कार्य कराया। इसके बाद ध्वजारोहण समेत अन्य धार्मिक कार्यक्रम किए गए। इसके पूर्व खोपड़िया बाबा धर्मशाला से जुलूस निकाला गया, जो मंदिर परिसर से शुरू हुई और भुरकुंडा बाजार होते हुए मंदिर पहुंचकर समाप्त हो गई। इस दौरान महिलाएं बच्चे समेत दुकानदार हाथों में बजरंगबली के झंडा लिए जय बजरंगबली जय श्री राम हनुमान जी की जय का उद्घोष करते हुए जुलूस में चल रहे थे। मौके पर मंदिर निर्माण व संचालन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि 17 जून से कलश यात्रा के साथ महायज्ञ की शुरुआत की जाएगी। 21 जून को हवन और भंडारा के साथ महायज्ञ की पूर्णाहुति की जाएगी। महायज्ञ को लेकर व्यापक तैयारियां चल रही है। मौके पर भुरकुंडा बाजार के दुकानदार गणमान्य लोग समेत सैकड़ों पुरुष और महिलाएं उपस्थित थी। सोना न्यूज भुरकुंडा से राहुल सिंह के साथ रघुनंदन प्रसाद की रिपोर्ट। आप अध्यक्ष के संबंध में है जो हमसे बन पाए वो किया जाएगा, हमेशा सहयोग रहा है, मेरा सहयोग करेगा। संपूर्ण सनातनियों के जानकारी के हेतु यह बात बड़े गर्व के साथ मैं बताना चाहूँगा कि इस संपूर्ण कर्णपुरा कोयलांचल क्षेत्र का रामनवमी का ध्वज इसी पवित्र स्थल से निकला करता था और आज इसी स्थल पे पुनः 70 वर्षों के बाद हनुमान जी की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हेतु ध्वजारोहण किया गया है। हनुमान जी की नई प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा 17, 18, 19, 20, 21 जून को संपन्न होगी। 21 जून को महाभंडारा हवन यज्ञ के बाद इस यज्ञ का पूर्णाहुति होगा। संपूर्ण कोयलांचल कर्णपुरा क्षेत्र की ये प्राचीन मंदिर है और रामनवमी की ऐतिहासिक झंडा यहीं से निकला करता था। समय कालखंड के पश्चात जगह कम होने से यह झंडा लक्ष्मी टाकीज के मैदान में जरूर चला गया, तो उसी स्थल पे पुनः इस कोयलांचल के संपूर्ण गांव ग्राम समाज सभी मिलकर के आज पुनः यज्ञ हेतु ध्वजारोहण किए हैं, जो 17, 18, 19, 20, 21 जून तक चलेगा।